सो हेलो गाइस सर, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, काफ़ी सारे भाई लोग तो जानते हैं कि बेस को चलाने के लिए एक पावरफुल एम्पलीफायर जाइपर लैब्स का ही है। बट गई सर, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा एम्पलीफायर लेकर आ गया हूँ जो कि गई सर, इस वाले एम्पलीफायर का वजन केवल मात्र 12 kg आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट गई सर, इस वाले एम्पलीफायर का जो पावर है बिल्कुल ही हैवी है, जो कि 2500 वाट्स के 4 बेस स्पीकर चला पाएगा। जी हाँ गई सर, ये जो एम्पलीफायर है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हम भारी एम्पलीफायर उठा उठा कर थक चुके हैं, हमें एक लाइट वेट काफ़ी ज़्यादा हल्का एम्पलीफायर चाहिए जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम हो और काफ़ी ज़्यादा पतला हो। तो गई सर, इजिली आप लोगों के लिए मैं एक बेस्ट क्वालिटी का एम्पलीफायर इस वीडियो में रिकमेंड करने वाला हूँ, जो कि गई सर ये 12 kg का एम्पलीफायर है, क्लास डी का है। लेकिन गई सर, ये जो एम्पलीफायर है इसका पावर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, जो कि इसका डंपिंग फिटर भी जाइपर लैब्स के कई गुना ज़्यादा है, जो कि 2500 वाट्स के 4 बेस इजिली चलाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। या गई सर, अगर आप लोग चाहते हैं कि 1500 या 1600 वाट्स के भी 8 बेस चलाएं तो इजिली गई सर आप लोग चला पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो गई सर, इस वाले एम्पलीफायर के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, लोड कैलकुलेशन भी बताएंगे, साथ ही गई सर इस वाले एम्पलीफायर का कितना प्राइस है, इस एम्पलीफायर का कितना लाइफ टाइम है चलने का, सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करके बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गई सर, यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूँ SLV के तरफ से डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर D30 देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गई सर, ये जो है SLV का डुअल चैनल का काफी ज्यादा पावरफुल एम्पलीफायर है। गई सर, इस वाले एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका फ्रंट पैनल पे आप लोगों को SLV का ब्रांडिंग, साथ ही गई सर यहाँ पर आप लोगों को इसका मॉडल नंबर D30 यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ ही गई सर यहाँ पर इस वाले एम्पलीफायर को पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच देखने को मिल जाएगा, और एयर वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड में आप लोगों को ग्रिल जाली देखने को मिलेगा, जो कि गई सर इस वाले एम्पलीफायर का जो लुक है काफी ज्यादा आप लोगों को प्रीमियम देखने को मिलेगा। साथ ही गई सर बीच में आप लोगों को एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि डिस्प्ले में सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि चैनल 1 पे क्या आप लोग लोड दिए हैं, कितना आप लोगों को टेम्परेचर हो गया है इस वाले एम्पलीफायर का, सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में डिस्प्ले पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ ही गई सर कुछ यहाँ पर आप लोगों को लाइट इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि गई सर अगर आप लोग एम्पलीफायर को क्लिप तक जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को लाइट इंडिकेट के द्वारा मालूम चलेगा। और गई सर चैनल 1 के लिए और चैनल 2 के लिए 2 वॉल्यूम गेन आप लोगों को अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। तो गई सर ओवरऑल इस वाले एम्पलीफायर का जो फ्रंट पैनल का लुक है काफी ज्यादा प्रीमियम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले जमाने में जैसा CD आता था वैसा ही इस वाले एम्पलीफायर को डिजाइन किया गया है, यानी इस वाले एम्पलीफायर का जो सर्किट बोर्ड है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात करेंगे इस वाले एम्पलीफायर के बैक पैनल के बारे में, इसका बैक पैनल कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके बैक पैनल पे आप लोगों को 5 फैन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गई सर, इस वाले एम्पलीफायर में 5 फैन का यूज किया गया, जो कि इस वाले एम्पलीफायर को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से कूलिंग करता रहेगा, ताकि अगर आप लोग एम्पलीफायर को लॉन्ग टाइम तक भी चलाते हैं तो कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं हो। साथ ही गई सर यहाँ पर आप लोगों को इनपुट और आउटपुट करने के लिए XLR मेल फीमेल का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप लोग इनपुट और आउटपुट इजिली कर सकते हैं। साथ ही गई सर यहाँ पर आप लोगों को स्पीकर का ऑप्शन मिल जाएगा स्पीकर आउटपुट के लिए। चलिए गई सर, हम बात कर लेते हैं इस वाले एम्पलीफायर के पावर आउटपुट के बारे में। तो गई सर इस वाले एम्पलीफायर का स्टूडियो और मोनो का पावर 8 ओम पे 3000 वाटेज एक एक चैनल पे निकाल कर दे देगा, और गई सर 4 ओम पे आप लोगों को 5100 वाटेज एक एक चैनल पे निकाल कर दे देगा, और 2 ओम पे 7140 वाटेज एक एक चैनल पे निकाल कर दे देगा। तो गई सर इस वाले एम्पलीफायर को अगर आप लोग स्टीरियो पे या मोनो पे, यानी पैरेलल दोनों बात एक ही है, दोनों में यूज करते हैं तो इतना पावर आप लोगों को सरेही मोड पे देखने को मिल जाएगा, जो कि गई सर इसका 8 ओम पे पावर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, और 4 ओम पे भी पावर इसका काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, जो कि आप लोग इस पे हैवी से हैवी वाटेज का बेस स्पीकर चलाएंगे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। गई सर इस वाले एम्पलीफायर का ब्रिज मोड का पावर आप लोगों को 8 ओम पे 10200 वाट्स देखने को मिल जाएगा, और 4 ओम पे 14280 वाट्स देखने को मिल जाएगा। तो गई सर आप लोग समझ सकते हैं कि इस वाले एम्पलीफायर पे अगर आप लोग ब्रिज मोड पे चलाते हैं तो आप लोग के पास बहुत ही हैवी वाट्स का बेस स्पीकर होना चाहिए, तभी आप लोग ब्रिज मोड में चला पाएंगे। गई सर इस वाले एम्पलीफायर का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 से 20 kHz तक देखने को मिल जाएगा, और इसका जो डंपिंग फैक्टर है 5000 देखने को मिल जाएगा। तो गई सर यही इस वाले एम्पलीफायर का इंपॉर्टेंट और खास है कि इसमें डंपिंग फैक्टर
5000 दिया गया था। आप लोग समझ सकते हैं कि केवल ये जो मेरे फायर है प्रॉपर बेस चलाने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप लोग इस पे टॉप चलाएंगे तो टॉप में से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मोटा आवाज़ सुनने को मिलेगा, जो कि डंपिंग फैक्टर का मतलब ही होता है कि उसमें जितना ज़्यादा डंपिंग फैक्टर रहेगा उतना ज़्यादा आप लोगों को प्रेशर और मोटा आवाज़ सुनने को मिलेगा। तो प्रॉपर ये जो मेरे फायर है बेस चलाने के लिए बनाया गया है, जो कि सर ये मेरे फायर क्लास डी से आता है। इस वाले मेरे फायर को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज 100 से 240 वोल्ट तक रहेगा, तो इजिली ऑपरेट हो जाएगा। यानी कम से कम अगर आप लोग 100 वोल्ट पे भी चलाएंगे तो एम एल फायर इजिली अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 240 वोल्ट तक देंगे तो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। इस वाले एम एल फायर का जो नेट वेट है 12 kg है। जी हाँ कही सर, इस वाले फायर का खास बात यह भी है कि इस वाले फायर का वजन जो है काफ़ी ज़्यादा कम कंपनी ने रखा है, जो कि इस वाले फायर के अंदर जितना भी सर्किट बोर्ड का यूज़ किया गया है टोटल आप लोगों को लाइट वेट में देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो कि आप लोग इसके वजन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 kg का वजन तो एक 10 से 12 साल का लड़का भी कहीं इस वाले फायर को उठा कर ले जा सकता है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो कही सर, आप लोग बोर हो चुके हैं 40 kg 50 kg के फायर उठा उठा कर, तो आप लोग इस वाले फायर के तरफ जा सकते हैं, जो कि इसका वजन केवल 12 kg है और काफी ज्यादा हैवी हैवी वाटेज का बेस स्पीकर भी चला लेगा, जो कि इसका पावर भी काफी ज्यादा है। तो आप लोगों के लिए और भी क्या चाहिए जो कि एमएल फायर मार्केट में देखने को मिल रहा है। चलिए गई सर, हम बात कर लेते हैं इस वाले एमएल फायर के प्राइस के बारे में, क्या कि एमएल फायर अगर हम लेते हैं तो हमारे मार्केट में कितना प्राइस में मिल जाएगा, इसका कितना प्राइस है। तो गई सर, इस वाले एमएल फायर का प्राइस आप लोगों को एसएलवी के वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को 95 से 1 लाख के बीच में ये जो एमएल फायर एसएलवी का D30 मॉडल मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये 14000 वाट्स का एमएल फायर है, अच्छे क्वालिटी का आप लोगों को साउंड निकाल कर देने वाला है। अगर आप लोग इस पर बेस चलाएंगे तो अच्छा आप लोगों को पंचेबल बेस सुनने को मिलेगा। चलिए गई सर, अब हम बात कर लेते हैं इस वाले एमएल फायर पे लोड कैलकुलेशन के लिए, कि अगर हम इस पे लेते हैं तो इस पे कितने कितने वाट्स का स्पीकर चला लेंगे। काफ़ी सर भाई लोग तो इस वाले एमएल फायर का पावर देखकर ही अंदाजा लगा चुके होंगे कि इस पर हम कितने वाट्स का स्पीकर चला लेंगे, बट गई सर जो नए भाई लोग होंगे उनको अगर नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग 8 ओम पे इस वाले एमएल फायर को ऑपरेट करना चाहते हैं तो इजिली 2500 से 3000 के बीच का अगर आप लोग का एक स्पीकर है तो एक स्पीकर एक चैनल और गई सर एक स्पीकर दूसरे चैनल पर, यानी 2500 और या 3000 वाट्स का अगर आप लोग का स्पीकर है तो एक एक स्पीकर एक एक चैनल पर चल जाएंगे। अगर कहीं सर आप लोग फोरम पे चलाना चाहते हैं तो ये जो एमएल फायर फोरम पे 5100 वाट्स दे रहा है, तो आप लोग 5000 वाट्स तक लोड डाल सकते हैं, जो कि 2500 2500 वाट्स के दो दो स्पीकर एक एक चैनल पे चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी डुअल बेस भी आप लोग 5500 वाट्स के एक एक डुअल बेस चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं 2 ओम पे लोड के लिए, तो जो एमएल फायर है 2 ओम पे यहाँ पर 7140 वाट्स दे रहा है, तो आप लोग इस पर मैक्सिमम 7000 वाट्स तक लोड डालिएगा तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जो कि अगर आप लोग के पास 1500 या 1600 वाट्स के 4 स्पीकर चलाना चाहते हैं आप लोग के पास है तो इजिली एक चैनल पे 4 स्पीकर चला पाएंगे और दूसरे चैनल पे भी 4 स्पीकर चला पाएंगे, जो कि अच्छे क्वालिटी के आप लोगों को परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग इस वाले एमएल फायर पे लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आप लोगों को आउटपुट मिलने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये एमएल फायर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, जो कि सर ये एसएलवी का D30 एमएल फायर है, जो कि डुअल चैनल में काफ़ी ज़्यादा हैवी वाट्स का एमएल फायर है, जो कि 2500 2500 वाट्स के 4 बेस इजिली चला पाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो कहीं सर ये एमएल फायर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इजिली इस वाले एमएल फायर को ले सकते हैं। बाकी कहीं सर ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गई सर आप लोग इस वाले वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। गाइस अगर आप लोग के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बेधड़क पूछ सकते हैं, या गई सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।